चावल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मजे के लग रहे हैं, अब गोश्त भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मदीना में हैं। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं जो हैं वो की गई हैं, आप सब भी हमारे लिए दुआएं जो है वो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे ऊंट की मंदी जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं। जवान सब रेडी है, भूख भी लगी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मस्जिद नबवी से निकले हैं। भाईजान ये किस रोड पे है? वो रेस्टोरेंट जो है सुखसारी बोलते हैं, सुखसारी, और काफी मशहूर ये रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है वो। जी तो लोग लाइन लगा के रखते हैं उधर ऊंट के गोश्त के लिए। जी इंशाल्लाह आपको एंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज के बाद हम निकले हैं, तो रश जो है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, जितना नॉलेज ज्यारतों के बारे में आप लोगों को है ना, बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि मदीने की गलियां हों और हम भी वहां पे घूमें। अल्लाह ताला आप सबको भी हज और उमरा की सादत जो है वो नसीब फरमाए। बड़ा पुरसकून है यहाँ पे, सारे दुख तकलीफें परेशानियां यहाँ पे दूर हो जाती हैं। जी जी तो उमर भाई हैं हमारे साथ, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है यहाँ के बारे में और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में इनको। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम रेस्टोरेंट पे पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जी रेस्टोरेंट है, हाशी जो है वो ऊंट को बोलते हैं, बादशाह पता नहीं किसे बोलते हैं, और ये इधर ऊंट भी लगा हुआ है हाशी बादशाह। तो ऊंट के गोश्त की मंदी जो है वो अभी ट्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑर्डर कर दिया है, ये बिल है, बिल हमारा बना है 211 रियाल। थोड़ी जगह खुद ही बना लेंगे, अंदर तो काफ़ी सारी जगह बन चुकी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। क्यों करें भाई, भाई आप और आएंगे भी चावल ये सुन के मजीद भूख जो बढ़ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा थाल जो है वो ऑर्डर किया है, हम चार लोगों के लिए ऑर्डर कर रहे थे, तो वहाँ पे जो भाई बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि तीन लोगों का खाना आप ऑर्डर करें, पाँच से छः लोगों के लिए भी काफ़ी होता है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं चावल तो फिर तीन लोगों का कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीन लोगों का खाना जो है वो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस मैदान पे खेला जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अरबी लोग जो हैं वो काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो इकट्ठे होके आते हैं। हमारे सामने भी अभी महफल जो है वो लगी हुई है, ये मिलके इसी तरह दावतें करते हैं, और बैठने का जो इंतज़ाम है इनका बिल्कुल ऐसा ही है, ये बड़ा ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। चटनियाँ जो है वो बड़ी मज़े की होती हैं, और सैलड चटनियाँ जितनी भी थी हमने ऑर्डर कर ली हैं। गरम भाई ज़रा खोल के इस पे डाल दें भाई। हाँ जी, नहीं नीचे डाल के खाते हैं ना, रात में नहीं, रात में खाएं तो सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नीचे जो मज़ा है ना आप खुल के खा सकते हैं फिर। हाँ चावल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही मज़े के लग रहे हैं, अब गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैदान जो है खुल चुका है, अपने अपने हिसाब की चटनियाँ सैलड ले लें। बिस्मिल्लाह ये वाली चटनी मुझे ज़्यादा पसंद है, मीठी है। मुकरम भाई ये दुबई में हमने ट्राई की थी, अच्छी वाली, बिल्कुल मैं भी खाऊंगा। बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त जो है ना
ये इतनी अच्छी तरह गला होता है कि मुंह में घुल जाता है। जब ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तब एक और भी कोशिश होती है कि खाना जो है ना वो अच्छा मिल जाए। हाँ, क्योंकि दोपहर में जो है सैन भाई उनकी पसंद का खाना नहीं था और हमें भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो अब अच्छा खाना होना चाहिए था। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, ये खामोशी बता रही है। असल में चावल भी मजे के हैं और गोश्त तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बशीर भाई ने बताया, और रायते शायते माशाल्लाह, हर चीज जैसे भाई वैसे ट्राई करें जैसे आदमी खाते हैं, मैंने ऐसे देखा। ये ऐसे बॉल बनाते हैं, हमसे नहीं बन पाएगी ना पहले दफा। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त मेरे दिल पे क्या बीत रही है। मुझे भूख जो है ना वो इतनी लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकता, और मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये नहीं मुक दे और ऑर्डर कर लाँगे यार, जो मेरे नसीबां च ने भाई मुकरम तू ही नहीं खा सकते। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने भी खाने यहाँ पे पकते हैं ना वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। मंडी बनाते हैं, 4-5 घंटे जो है वो तंदूर में रखते हैं इसको, ऊँट को, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई मसला रह जाए। चावल देखने में जिस तरह हमारे देगी चावल नहीं होते, सेम वही जैसे सेम वैसे चावल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैन भाई मैदान में आ चुके हैं। सर फिर ये पहली दफा ऊन का गोश्त खाने लगा हूं मैं। नहीं, ईद पे नहीं खाया था। इस बार से भी अंदाजा लगा लेंगे कितने चावल नीचे डाले थे, खत्म तो वो खत्म हो गए हैं। बोटियां पहले मुकनी हैं पर वो मैंने नहीं खाए, नहीं खाए जाएंगे ना अब। हां इंशाल्लाह बन करम और बन दसर का है, ये टेस्ट प्लेयर है, T20 का प्लेयर है, जल्दी जल्दी मैं आउट हो जाऊंगा, मतलब मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्लो स्लो खेलते रहेंगे। और मैं वनडे में भी नहीं आता और T20 में भी नहीं आता, मैं दरमियान में हूँ कहीं। टेस्ट तो बड़ी दूर की बात है ना। अच्छा वनडे में नहीं आता। नहीं, बिस्मिल्लाह। सबसे मजेदार है ये दस्तरखान वाली बात है। हाँ, खुल के आप खाते हैं। और दूसरा ये है कि मुदस्सर भाई और मेरी ये है फेवरेट डिश, यहाँ पे हम अक्सर सैंची बनाते हैं, ये चावल हैं इसलिए। कह रहे हैं ये वाला अच्छा जो खत्म हो गया। जान भाई कह रहे हैं दसर भाई जाएंगे लेने के लिए, मैंने कहा वहाँ पे उन्होंने सैंपल लगाए हैं, मैं कहूँगा इको ये कोरियन में कहते हैं ना ये वाला। जी, जुबान का मसला हो अगर किसी को, उन्होंने डिस्प्ले में सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, वहाँ से आपने उंगली रख के कर लेना। ये चर्बी अभी भी गोश्त जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें ये चर्बी वाला निवाला। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बेशक ये नहीं है अपने पाकिस्तान से खाने में। क्या मैं ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान से खा रहे हैं, अपनी डिश है ये हमारी। कैसे हाशी भाषा, मैं बाशी भाषा हाशी भाषा ऊंट का गोश्त देख के जरा वैशी हो जाता की बोल रहे। एक चीज हमने मिस की है वो है नींबू निचोड़ना। अभी गोश्त के ऊपर बहुत है। खाना खाने के बाद टैक्सी नहीं लेते, पैदल ही चलते। किलोमीटर है ये बाशी भाषा, 8 किलोमीटर हमारे।
मुदसर भाई सही एंजॉय कर रहे हमसे पहले जो भाई बैठे हुए थे इधर खाना खाने के लिए उन्होंने बॉक्स किया था हमसे फॉयल वाला और उसमें डाल लिए थे चावल। मैं कह रहा हूँ ये पैक करवा लें, होटल में जाएंगे ना वहाँ पे अभी गपशप लग गई है, हो सकता है वहाँ पे दोबारा खाने का मौका मिल जाए। खाने के बाद काफी या इस काफी हो जाए ना। अल्हम्दुलिल्लाह देख ले मैदान जो है वो खाली कर दिया जो अनु ने, और थोड़े से चावल बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही मजेदार। यहाँ पे तलवार भी लगी हुई है। जब भी कभी आप मदीने आए तो यहाँ पे जरूर आके ये ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा के हम लोग निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और होटल जाएंगे, और होटल के नज़दीक ही जो है वो कॉफ़ी शॉप है, वहाँ से चाय कॉफ़ी जो भी जवानों का दिल चाह रहा है वो पियेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है बड़ा ही प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सामने मस्जिद नबवी है। कॉफ़ी के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोगों के लिए भी हैं। अपने हिस्से का मैंने आपको दिया, आपका ये दो कड़क चाय हैं और दो कॉफ़ी हैं और ये चाय आई थिंक ये वाली होगी। माशाल्लाह ये मैम, ये भाई करण है, ये भाई नहीं, पर इसका एक मसला ना, आप ये नहीं कह सकते एक चाय आया है, वो हम कह सकते हैं बस। कॉफी के साथ चाय आए हाय आए हाय बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। चाय यहाँ जो चाय कॉफी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चाय क्या ही कहनी सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चाय देखने में ही मज़े की लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कमाल हो गया जी, जबरदस्त यार चाय बहुत मज़बूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा खाता अल्हम्दुलिल्लाह जब से आए हैं यहाँ पे तब से ही मज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको भी ये वाले मज़े जो है वो नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको हज बैतुल्लाह की सआदत जो है वो नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों बीमारियों परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशरती को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।